हेलो दोस्तों, आज हम कवर करेंगे वर्ल्ड कप 2024 का जो T20 मुकाबला खेला जाएगा उनके बारे में। ये T20 मुकाबला खेला जाएगा 40वां। अभी ये 40वां T20 मुकाबला होगा जो कि वर्ल्ड कप 2024 का। अब यहाँ खेला जाएगा वेस्ट इंडीज और अफगानिस्तान। वेस्ट इंडीज और अफगानिस्तान में कौन सा टीम स्ट्रॉन्ग है, कौन सा टीम कितने मुकाबले खेले हैं, और ये इंडियन समय अनुसार 6 बजे सुबह कल मॉर्निंग के समय खेला जाएगा। कल मॉर्निंग के समय खेले जाने वाले मैच में कौन सा टीम स्ट्रॉन्ग है, कौन सा टीम कमज़ोर है, रिसेंट के मैच में कुल कितने टीम खेल कर आए हैं और कितने मैच जीत कर आए हैं, ये भी बताएंगे। सबसे पहले विकेट कीपर सेक्शन में देखिए, यहाँ पर आर गावस्कर रिसेंट के फॉर्म काफ़ी ज़बरदस्त है, और यहाँ पर देखिए ये विकेट कीपरिंग भी करता है, और ये दो मुकाबले में अर्धशतक से ऊपर लगाए हैं, और ओपनर बैट्समैन भी है। अब देखिए बात कर लेते हैं निकोलस पुरन के बारे में। निकोलस पुरन खास परफॉर्म नहीं करता है, जिस तरह से नीचे इनका बैटिंग ऑर्डर आता है वो उस कंडीशन में अच्छे खासे फॉर्म में है। अब बात कर लेते हैं लाइनअप में नाम शामिल है एड करन का, इनका तो लाइनअप में नाम शामिल है। ये डर्म कार्ड यूनिक प्लेयर के रूम में रह सकता है क्योंकि वेस्ट इंडीज का ओपनर बैट्समैन में आएगा। ओपनर बैट्समैन में सेलेक्शन परसेंट लो है, लेकिन मेरे हिसाब से देखा जाए तो ये आपस में 5 मुकाबले खेले हैं, 5 में 3 में फ्लॉप्स हुए हैं, 2 में अच्छा खासा स्कोर किए हैं, और ये भी बैट्समैन काफ़ी लाजवाब है, अगर टिक गया तो अच्छे खासे स्कोर कर देता है। डर्म कार्ड यूनिक में से इन 3 विकेटकीपर में से 2 विकेटकीपर को आप लोग अपने हिसाब से रख सकते हैं, या तो तीनों को तीनों रख सकते हैं, क्योंकि बैटिंग ऑर्डर जो है बैटिंग पिच है तो तीनों का तीनों बैट्समैन का बैटिंग करने का चांस मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं बैट्समैन में, अब आते हैं बैट्समैन में। बैट्समैन में आने से पहले मैं आप लोगों को ये बता देते हैं यहाँ रिसेंट के फॉर्म दोनों टीम कितने खेले हैं, मतलब रिसेंट के फॉर्म दोनों टीम खेल कर आए हैं 5 मुकाबले खेल कर आए हैं, दोनों टीम 5 में से 5 जीते हैं। वेस्ट इंडीज 5 में 5 जीते हैं और अफगानिस्तान 5 के 5 जीते हैं रिसेंट के मैच, और हेड टू हेड के बात नहीं, रिसेंट के मैच में वेस्ट इंडीज 5 मुकाबले जीत कर आया है, अफगानिस्तान जीत कर आया है। दोनों टीम के तुलना में दोनों स्ट्रॉन्ग ही टीम है, और दोनों टीम से बैट्समैन स्ट्रॉन्ग है और बॉलर स्ट्रॉन्ग है, लेकिन वो बैट्समैन से ज़्यादा बॉलर का परफॉर्म रिसेंट के फॉर्म में काफ़ी ज़बरदस्त रहा है। अब देखिए इस कंडीशन को ध्यान रखते हुए आयरन जॉर्डन रिसेंट के मैच में अच्छे फॉर्म करता है, ठीक ठाक उम्मीद लगा सकते हैं। अब ब्रेकिंग भाई रिसेंट के फॉर्म में 30-32 रन मार के जा रहा है, सेलेक्शन परसेंट कम हो गया है, रिसेंट के मैच में खास प्रदर्शन नहीं किया है, फिलहाल 1-2 मैच में फ्लॉप्स होने के कारण सेलेक्शन परसेंट हाई हो गया। एज पर डे भाई इनका नीचे उतरने के बाद जो भी अच्छे स्कोर किया है जिसके कारण सेलेक्शन परसेंट काफ़ी हाई हो गया। जी नबी का लाइनअप में नाम शामिल है, पहले जी नबी जो है 3 नंबर में बैटिंग करेगा, जी नबी 3 नंबर में बैटिंग करेगा, ये फुल डर्म कार्ड यूनिक होगा और बैट्समैन की दृष्टि से अच्छा है। रोमल पावर खेलेगा नहीं, अगर खेलेगा तो अपने टीम में ट्राई कर लीजिएगा, सेलेक्शन परसेंट लो है। अब देखिए मैं यहाँ पर 3 बैट्समैन में से 2 डर्म कार्ड यूनिक जरूर लूँगा। अब आते हैं इम्पोर्टेंट जो है ओलंडर सेक्शन में। ओलंडर सेक्शन में आने से पहले मैं आप लोगों को बता देते हैं इस ग्राउंड पर 35 मुकाबले हुए हैं, 35 मुकाबले में 15 मुकाबले जो बैटिंग फर्स्ट किए हैं, बैटिंग फर्स्ट किए हैं वो 15 मुकाबले जीते हैं, और जो 20 मुकाबले हैं वो बैटिंग सेकेंड किए हैं, यानी बैटिंग सेकेंड किए हैं वो 20 मुकाबले जीते हैं। और ये इस बात पर ध्यान रखिएगा कि दोनों टीम में इनिंग में अच्छे स्कोर बन जाता है और सेकेंड इनिंग में चेस्ट करना आसान हो जाता है, और जो टीम पहले टॉस जीतेगा
कोशिश करेगा बॉलिंग करने का। और मैं आप लोगों को एक बात और जानकारी दे देते हैं, यहाँ पर हाई स्कोर 200 बना है, लो स्कोर 70 पर ऑल आउट हुआ है। इसलिए सबसे हाई स्कोर की बात करें तो 200 बन सकता है, लो स्कोर 70 पर आउट लाउट हुआ है। इस कंडीशन को ध्यान रखते हुए मेरे हिसाब से ये जो है बैटिंग पिच नहीं, बैलेंस पिच है। और देखिए पूर्ण रूप से बैलेंस पिच भी नहीं है, ज़्यादातर मैच बैटिंग का फेवर में जाता है और कम सम मैच जो है बैलेंस पिच के फेवर में जाता है। अब चलिए मैं आप लोगों को पिच रिपोर्ट बता देते हैं। पिच रिपोर्ट जो है बैटिंग पिच है, गुड पर प्रेशर है और यह पर एवरेज स्कोर 182 है। वेन्यू जो है ड्रेन सेम नेशनल क्रिकेट स्टेडियम गोर्स लेस्टर्स स्टेडियम में जो खेला जाएगा वेस्ट इंडीज में, वहाँ ये मुकाबला खेला जाएगा। अब बात कर लेते हैं अंदर रसल का। अंदर रसल का सलेक्शन परसेंट काफ़ी हाई है, लेकिन अंदर रसल रिसेंट के मैच में खास बैटिंग से प्रदर्शन नहीं कर रहा है, बॉलिंग से एक एक विकेट निकाल के जा रहा है। मोहम्मद नबी का भी लाइनअप में नाम शामिल है, हो सकता है अच्छे खासे प्रदर्शन कर रहे, लेकिन फिलहाल के लिए खास प्रदर्शन नहीं कर रहा है। स्पिनर है, पूरे 4 ओवर करने का मौका मिल जाता है। आर रोशन भाई डन कार्ड यूनिक प्लेयर के रूम में होने वाला है, इनका से 4 ओवर पूरे कराते हैं और इन्हें पिटाई बहुत लगा है रिसेंट के मैच में, अच्छे खास पिटाई हो गया है। अब ओटोन जेम ठीक ठाक प्रदर्शन कर लेता है था, लेकिन अभी फिलहाल के लिए रिसेंट के फॉर्म अच्छे नहीं है। आर पेजर भाई इनका बॉलिंग को खेलना बड़ा मुश्किल होता है, ये डर्म कार्ड यूनिक बॉलर होगा वेस्ट इंडीज को, इसलिए ये पहुंच जो है पहुंच ऑलराउंडर में से आप लोग किसी ऑलराउंडर को ट्राई कर सकते हैं, वो भी अपने हिसाब से। अब बात कर लेते हैं बॉलिंग सेक्शन में। बॉलिंग सेक्शन में देखिए राशिद खान हेड टू हेड मुकाबले दोनों टीम में 5 खेले हैं, 5 में करीबन खास 2 में उपस्थित रहे और 3 में विकेट नहीं मिला है, 1 में विकेट एक विकेट ले रहा है। यानी खास प्रदर्शन राशिद खान वेस्ट इंडीज़ का अगेंस्ट नहीं कर रहा है, लेकिन रिसेंट के फॉर्म के अनुसार देखा जाए तो काफ़ी अच्छे रिकॉर्ड है। ऐप की ओर देखिए रिसेंट के मैच में लाजवाब प्रदर्शन किया है, ठीक ठाक उम्मीद लगा सकते हैं। अब यहाँ पर एले हसन अच्छा खासा प्रदर्शन कर रहा है, एरन जिप्स डर्म कार्ड यूनिक होगा, अच्छे खासे हैं जी मोती लगातार परफॉर्म, नीलू हक का लाइनअप में भी नाम शामिल है, नूर अहमद डर्म कार्ड यूनिक होगा लाइनअप में नाम अभी शामिल है। अब देखिए ये 4-7 बैट्समैन है जिनका लाइनअप में नाम शामिल है, इन 7 बैट्समैन में से किसी भी बैट्समैन को ट्रैक कर सकते हैं वो भी अपने हिसाब से। अब देखिए मैंने यहाँ पर टीम क्रिएट करके बताता हूँ, यहाँ पर सबसे पहले मेरा जो है विकेट कीपर आर गावस्कर को रखूँगा और उसके बाद देखिए मैं एन जनरल रखूँगा क्योंकि डर्म कार्ड यूनिक होगा, सिलेक्शन परसेंट काफ़ी आया है, इन दोनों में से मैं किसी को ट्राई कर लूँगा, अच्छा खासा उम्मीद इनसे लगा सकते हैं, ठीक ठाक प्रदर्शन कर सकता है। अब यहाँ पर देखिए अब बैट्समैन सेक्शन में आते हैं, बैट्समैन सेक्शन में आने से आयर जॉर्डन ठीक ठाक रहेगा, कभी अच्छे स्कोर करेगा कभी नहीं करेगा, कभी डर्म कार्ड यूनिक होगा कभी फ्लॉप्स होता है। इस कंडीशन को ध्यान रखते हुए मैंने आज का मैच में सब हर कोई बैटिंग पिच के फेवर में बनाएगा, लेकिन मेरा दिल करता है बॉलिंग पिच का फेवर में, इसलिए मैं डर्म कार्ड यूनिक बैट्समैन यूनिक बॉलर यूनिक ऑलराउंडर को लूँगा, इन्हें लेने के बाद देखिए आयर जॉर्डन को लूँगा या ब्रेक किंग को डर्म कार्ड यूनिक के रूप में ले सकते हैं। अब इन्हें लेने के बाद देखिए 3 बैट्समैन 2 विकेट कीपर, अब ऑलराउंडर सेक्शन में इम्पॉर्टेंट ऑलराउंडर के रूम में रहने वाला है अंदर रसल भाई, अच्छे खासे फॉर्म करेगा टीम कार्ड उम्मीद। अब मोहम्मद नबी आर रोशन को ले गया हूँ, अंदर रसल को अभी मैं ड्रॉप कर रहा हूँ, उसके जगह यूनिक प्लेयर कर लिया हूँ। अब मैं बॉलर सेक्शन में देखिए राशिद खान एप्लेसन को लूँगा, एले हसन अरुण जीप सिंह का और जी मोती को लूँगा, इन 5 बॉलर को रखने के बाद देखिए काफ़ी अच्छे रिकॉर्ड है बॉलर का, मैंने 5 बॉलर लिए हैं, 1 ऑलराउंडर लिए हैं, 3 बैट्समैन लिए हैं, 3 बैट्समैन में डर्म कार्ड यूनिक लिए हैं। अब देखिए 2 विकेट कीपर लिए हैं, 2 विकेट कीपर में से 1 यूनिक विकेट कीपर लिए हैं, जिसे आप लोग रिक्सी विकेट कीपर देते हैं उसे कोई नहीं लेकर जाता है, मैं उसे लिया हूँ।
अब बैट्समैन में मैं तीन बैट्समैन लिया हूँ, तीन बैट्समैन में से दो डनकट यूनिक हुआ, एक और यूनिक जिन अभी एक को मैं लिया हूँ। अब यहाँ पर एक ओलंडर लिया हूँ, वो भी रिक्सेबल लिया हूँ, तीन हो गया है। अब मैंने पांच बॉलर लिया हूँ, पांच बॉलर लेने के बाद देखिए अब नेस्ट करता हूँ। नेस्ट करने के बाद अब आ जाता है कैप्टन और वाइस कैप्टन। हर कोई रिसेंट के फॉर्म को देखते हुए सेफ कैप्टन या फील्डर रहेगा, अच्छा खासा फॉर्म में है अभी, कैप्टन के रूम में हुए रहेगा। और वॉइस कैप्टन के एलोहेशन को अच्छा खासा दे सकते हैं, या वॉइस कैप्टन के रूम में आज मैं जो है इम्पोर्टेंट वॉइस कैप्टन के रूम में जी मोती को दे रहा हूँ और सेफ टीम करता हूँ। सेफ टीम करने के बाद देखिए मेरा टीम का परव्यू किस तरह से रहता है। मेरा टीम का परव्यू अभी फ़िलहाल के लिए इस तरह से रहेगा। मैं ग्रैंड लीग का रिक्सी टीम बनाता हूँ, इसलिए ग्रैंड लीग का रिक्सी कैप्टन और वॉइस कैप्टन देता हूँ। मैं कैप्टन सेफ दिया हूँ, वॉइस कैप्टन रिक्स लिया हूँ और डर्म कार्ड यूनिक चार प्लेयर लिया हूँ। आज का वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद दोस्तों।